हाय फ्रेंड्स, जो लोग सबलिमिशन मॉक प्रिंटिंग करते हैं उन लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ मॉक प्रिंटिंग कैसे करते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं और टेम्परेचर टाइमिंग जो भी है एक वीडियो के अंदर आपका सब कुछ दिखाऊंगा। वीडियो के बने रहिए। देखिए, अभी जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब जो चैनल है उसका अपलोड कर दिया है फ्री में। आप डाउनलोड करके इस डिज़ाइन दिया है। मैंने हमेशा कहता हूँ आप लोग क्रिएटिविटी दिखाइए, उससे भी मेरा से अच्छा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो मेरा ये जो डिज़ाइन है इससे आप क्रिएटिविटी कैसे दिखाएंगे एक बार वो देख लीजिए। देखिए, आप जो लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो सबलिमिशन के ऊपर, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर के आप कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए, तो थोड़ा क्रिएटिविटी देखिए, इससे भी बढ़िया आप डिज़ाइन बना सकते हैं। जो मैंने आपका बना हुआ फ्री में दे रहा हूँ उसके अंदर थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाइए। देखिए, जो मैंने कर रहा हूँ दो फ्रेम मैंने डिलीट कर दिया और ये तीन फ्रेम लेकर जो डिज़ाइन अभी बना के प्रिंट करके लाइव कैसे होगा सब कुछ एक ही वीडियो में आपका मिल जाएगा। आप वीडियो में बना रहे जो टाइमिंग टेम्परेचर मशीन के साथ कैसे प्रिंट होता है वो भी वीडियो को अंत तक आपका देख जाएंगे, आपका बने रहिए। देखिए, थोड़ा सा ऐसा डिज़ाइन आप मान के चलो जो डाउनलोड करके ऐसा कर लिया, तो फोटो देने के लिए उसके ऊपर क्लिक करके आपका जो कस्टमर का फ़ोटो है, मेरा जो कस्टमर ये फ़ोटो मेरे को भेजा है ये तीन फ़ोटो, तो एक फ़ोटो मैंने उसके ऊपर रख के क्लिपिंग मास्क कर दिया। मेरा जो जो मैंने PhD आप लोगों को फ्री में दिया था सब एक ही टाइप का होगा, क्योंकि उसका PhD अलग हो सकता है शायद, लेकिन आपका जो PhD एडिटिंग का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा, आपका काम करने का आसान हो जाएगा। देखिए, मैंने ये फ़ोटो इधर सेट कर लिया, इधर सेट करने के लिए क्लिक किया, दूसरा फ़ोटो ओपन करूँगा उसका ऊपर रखूँगा और क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। देखिए, दो फ़ोटो रेडी हो गया। थोड़ा सा राइट राइट और लेफ्ट करके देखूंगा जो कैसे फिटिंग हो सकता है। आपका जो फ़ोटो है वो आप एक बार ट्राई कर लीजिए कैसे फ़ोटो फिट बैठता है आपका। मेरा फ़ोटो ऐसा ही ठीक है, आप देख सकते हैं। मैंने दो फ़ोटो रेडी कर लिया, बीच में मेरे को दोनों फ़ोटो देना है। जो राइट साइड में जो फ़ोटो देना है वो इधर लेफ्ट साइड में देना है और लेफ्ट साइड में जो फ़ोटो है वो राइट साइड में देना है। चलो, क्लिक किया, दूसरा तीसरा फ़ोटो ओपन करता हूँ, दोनों फ़ोटो एक साथ ओपन करूँगा, ये वाला ड्रैग करके इधर ऊपर रखूँगा, जो लेयर है उसके ऊपर रखूँगा, और दूसरा वाला जो फ़ोटो है वो भी लेकर सेम उसी ऊपर का रखूँगा, रख के दोनों पकड़ के क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। कैसे करता हो आप फुल वीडियो देखिए समझ जाओगे। राइट वाला जो लेफ्ट वाला जो फ़ोटो है वो थोड़ा राइट वाला दे दूंगा और लेफ्ट वाला जो फ़ोटो है वो राइट वाला दे दूंगा, डिज़ाइन अच्छा लगेगा। देखिए, थोड़ा सा छोटा या बड़ा आपका फ़ोटो जितना छोटा बड़ा हो सकता है आप फिटिंग आप कर लीजिए आपका जो फ़ोटो है छोटा बड़ा। मेरा साइज में नहीं होगा शायद, तो आपका फ़ोटो जैसा है आप कर लीजिए। करने के बाद रेडी हो गया। दूसरा जो फ़ोटो है ये थोड़ा सा बड़ा करूँगा और बस ठीक है। और जो बीच में जो बॉर्डर रहेगा वो बॉर्डर मिलाने के लिए आपका SIT यूज़ करना है, जो आप वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा बढ़ा के, और इरेजर टूल दिया आप करते हो तो ठीक है, आप जैसा चाहो ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा देखिए, बीच में कोई अंडरलाइन नहीं हुआ है, गैप फिल हो गया, देख सकते हैं। आपका क्रिएटिविटी दिखाइए और ऐसा डिजाइन बनाइए। ऊपर क्लिक करेंगे और शिफ्ट पकड़ के नीचे वाला जो लेयर है उसको पकड़ेंगे और कंट्रोल ई प्रेस करके मर्ज करेंगे। मर्ज करके
एक बार जो प्रिंट जो फाइल है A4, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और प्रिंट जो A4 कंट्रोल वी, थोड़ा सा बॉर्डर दे दूंगा, स्ट्रोक दूंगा, सॉरी स्ट्रोक दे दूंगा, इसलिए जो कटने के टाइम मेरे को अच्छे से कटिंग हो सकता है। प्रिंट देने के लिए मेरा ऑप्शन A8 5 है, तो इसके लिए हाई क्वालिटी A4 बॉर्डरलेस मैट हाई क्वालिटी और मोर मिरर प्रिंट। प्रिंट देने के बाद कैसे आ रहा है आपको, आप देखिए प्रिंट हो रहा है दोस्तों। जो मैंने आपको अभी अभी देख रहा है, आप लोग लाइव देख रहे हो, कोई कटिंग वगैरह कुछ नहीं किया है, लाइव प्रिंट हो रहा है आप देख रहे हैं। दोस्तों आप लोग नया शुरू करना चाहते हो या शुरू कर दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ किसी को पूछूंगा, कोई बात नहीं, स्क्रीन के दो ऊपर जो नंबर है आप फोन करिए, थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लीजिए, कोई आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा। किसी भी टाइम पे आप मेरे को फोन करिए, मैं फोन उठाऊंगा और आपका सही सजेशन दूंगा जो कैसे, क्योंकि मैंने इस लाइन पे 8 साल से मैंने बिजनेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे मालूम है, इस बेसिस से आपसे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा आपसे ज़्यादा जानकारी है इसलिए बोल रहा हूँ। आप इस बिजनेस के बारे में कुछ भी जानते हो या जानना चाहते हो तो मेरे को कॉल कर सकते हो, पर ट्रेनिंग लेना चाहते हो ऑनलाइन आप ले सकते हो सबलिमिशन के ऊपर कोई भी। देखिए आपका प्रिंटिंग रेडी हो जाएगा, थोड़ा सा धीरज रखिए, प्रिंटिंग होने के बाद मशीन स्टार्ट करूँगा, कैसे आ रहा उसके बाद प्रिंटिंग कैसे आएगा वो भी आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। प्रिंट हो गया, चलो एक बार इससे बात क्या करते हैं हम लोग, जो प्रिंट फाइल है देखिए बॉर्डर थोड़ा सा दिया, स्ट्रोक दिया है, तो उसके लिए बॉर्डर से आप काट लेना, मैंने पूरा वीडियो काट के दिखाया इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप ऐसा करके आप कर सकते हैं। किसी भी पार्ट को आप मत छोड़ना, क्योंकि एकदम जो जो छोड़ेंगे वही प्रिंट हो जाएगा। थोड़ा देखिए आप ऊपर जो व्हाइट पोर्शन है वो प्रिंट नहीं होगा, और आप ज़्यादा बॉर्डर काट देंगे तो ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा बॉर्डर रखिए और थोड़ा सा समझ के काटिए। उसका बाद जो मेरा फ्रेंड है, ऐसा करके आप जब मशीन लेने जाएंगे तो उसके वो शॉप वाला आपको टेप दे देंगे, जो हीट सिंक टेप बोलते हैं उसको, तो वो आपको टेप दे देंगे। अभी आप स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो आप आपका थोड़ी पहचान नहीं होगा, तो अभी जो मशीन लिया है वो जानते हैं, जो ये जो टेप यूज़ करता है वो अलग है। अब देख रहा मैंने पहले से कटिंग करके रखा हुआ है, ऐसा करके आप ये देने से आपका जो प्रिंटिंग एरिया है वो इधर उधर ना हो जाए, इसलिए आपको ये टेप टेप दे रहा हूँ। इसके बाद मशीन में चला आता हूँ, मशीन ऑन करूँगा, आप देखते चलिए, स्किप मत करिए, मशीन चालू कर दिया, मोड फेस करेंगे 350 आएगा, एक बार दूसरा बार 350 आएगा, तीसरा बार जो टेम्परेचर आएगा, देखिए एक टोटल टेम्परेचर और करंट टेम्परेचर आपको 350 350 और 200 सेल्सियस देना है, 200, और एक बार प्रेस करेंगे तो अभी का जो करंट जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है। चलिए एक बार इस बार मॉक दे रहा हूँ, वो थोड़ा सा ऊपर 350 में जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा। चलिए अभी मॉक दे देता हूँ मशीन में अंदर, ऐसा करके वो जो हैंडल है रेडी हो गया, आप वीडियो में देखिए कैसे करते हैं, एकदम बीच में रखिए, बस हो गया। इस बार टाइमिंग सेट किया है, टाइमिंग वाला है बटन प्रेस कर दीजिए, प्रेस करने सेट हो गया, टाइमिंग भी सेट हो गया। देखिए अभी जा रहा है,
210, ऐसा करके करके 350 तक जाएगा और उसके बाद काउंटडाउन नीचे से शुरू होगा। 190, 200, 190, 198 ऐसा आएगा और उसके लास्ट में जब 0 आएगा वो बीप करने लगेगा, मतलब आपका फ्रेंड रेडी हो गया। देखिए ऊपर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके जा रहा हो, आप धीरे रखिए। जब भी 350 आएगा वो काउंटडाउन नीचे से शुरू हो जाएगा। आप वीडियो देखते चलिए, मैं जो बोलता हूँ वो होता कि नहीं है। थोड़ा सा टाइम सेकंड बाकी है, 46 हो गया, 47। जब 350 से 350 हो जाएगा काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा 350। अभी टाइम देखिए, टाइमिंग स्टार्ट हुआ है और ब्लिंक करना शुरू कर दिया है, काउंटडाउन नीचे से आ रहा है। जब वो 0 हो जाएगा मतलब आपका बीप करेंगे, बीप करने से मतलब आपका प्रिंट हो गया। तो देखते चलिए कैसे आ रहा है। जब फाइनल प्रिंट हो जाएगा तो आपका लाइव दिखाऊंगा कि प्रिंट कैसे कितना अच्छा क्वालिटी आया है। जो पीएचडी आप देखा है उसको डाउनलोड कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल से वीडियो। इससे सबलिमिशन का अंदर ही आप मोबाइल एक्सेस का बिजनेस कर सकते हैं, मैंने करता हूँ इसलिए जानता हूँ। देखिए अब 10 सेकंड बाकी है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, 4 सेकंड। अभी बीप करेंगे, बीप का आवाज़ आपका शायद नहीं आ रहा है, मशीन बंद कर देंगे। थोड़ा सा सावधानी से निकलना पड़ेगा क्योंकि आप नया हैं, आप एक्सपर्ट हैं तो कोई बात नहीं, आप नया हैं इसलिए बहुत गर्म रहता है। आप जो पेपर आप निकालेंगे थोड़ा कुछ कटर वगैरह कुछ यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत गर्म होता है तो हाथ का पुड़ने का डर रहता है। तो आप एक काम करिए, आप थोड़ा सा रख दीजिए 5-10 मिनट का बाद, जब ठंडा हो जाएगा तो हाथ हाथ से नॉर्मल जैसा निकलता है वैसा निकल लीजिए। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन प्रिंट हुआ है, जो प्रिंट जो अभी आपको स्क्रीन में देखा ही हुआ और प्रिंट क्वालिटी सेम आया कि आप एक बार चेक कर लीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद जो प्रिंट करके आपका दिखाऊंगा मैजिक काप एम्बा मैजिक मॉक और मैजिक कुशन, जो प्रिंट आएगा एक दो दिन के अंदर में लाइव, जैसा अभी वीडियो देख रहा है ऐसा ही लाइव दिखाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।